अरे सब होगा, आप देखते जाइए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। सब कुछ पॉजिटिव होगा जब नीति में खोट नहीं, नियत में खोट नहीं, सोच इरादे बुलंद नेक नियति के साथ, तो परमात्मा भी साथ है, सब हो जाएगा। 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवाज खराब करेंगे छात्र, अरे भाई 10 तारीख के पूरा झारखंड बंद रहेगा पूरा। देखिए ये तो लोकतंत्र में यदि जन आंदोलन बंद हो जाएगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मैं भी तो आंदोलन से ही पैदा हुआ हूँ ना, पुलिस ने लाठी मारा डंडा मारा तब हम नेता बने। देखिए शर्मा जी हमारे हवलदार साहब थे और ये लोग लाठी मारे थे तब हम मंत्री बन गए। अभी देखिए हमको अभी जाएंगे, बड़ा भाई हैं लेकिन सैल्यूट करेंगे, तो पुलिस मारी तब नेता, तो आंदोलन तो होगा ही। जयप्रकाश जी का आंदोलन, महात्मा गांधी का आंदोलन, राम मनोहर लोहिया का आंदोलन, ये सब तो बड़े आंदोलन। छात्र लोग 60-40 को लेकर विरोध क्या कर रहे हैं? अरे भैया कोई विरोध नहीं, बीजेपी को हिम्मत है, बोलती क्यों नहीं है कि हम तो जो है बीजेपी वाला करवा रहे हैं। बीजेपी सुनियोजित साजिश के तहत कर रही है। बीजेपी भाजपा के लोग ये कह दें कि हम अपने बच्चा की शादी में पंडित जी को बुलाकर संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ाएंगे, वो कह दें कि हम महामृत्युंजय जाप नहीं कराएंगे, श्रीमद् भागवत श्रीमद् रामचरितमानस शिव पुराण पर हम नहीं बैठेंगे। काहे संस्कृत का विरोध कर रहा है भाजपा, काहे हिंदी का विरोध कर रहा है भाजपा को पूछिए। वो जो छात्र प्रदर्शन किए थे संथाल में वो बीजेपी वाले थे क्या? अरे भैया संथाल में देखिए छात्र, हम तो सर्वसम्मत नीति ला रहे हैं, सर्वसम्मत काम कर रहे हैं और सबका विकास सबका साथ जो भाजपा बोलती है वो करती नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास यहाँ करते हैं। एक सवाल आखिरी, सरयू जी कहाँ पीछे पड़े हुए? आप तो बहुत अच्छे हैं। चेचा है मेरा भाई, गार्जियन है तो पीछे पड़े तो क्या है, अरे बाप चेचा को तो पीछे पड़े रहना चाहिए। ठीक, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।